हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिया वर्क। गाइज आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच बता रहा हूँ गाइज। मेरा एक सपना था वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि मैं सोचा कि कभी मैं भी शिल्पग्राम जाऊँगा, तो मैं शिल्पग्राम में आ चुका हूँ जो उदयपुर के अंदर स्थित है। सिटी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ पर अभी फेयर तो नहीं है, मेला नहीं है, बट फिर भी देखने के मज़ा आएगा, देखने पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप भी मेरे साथ आप शिल्पग्राम देखोगे। तो अभी मैं शिल्पग्राम के अंदर ही हूँ, और इसकी एंट्री प्राइस है 55 रुपये की, 55 रुपीज़ की इसकी टिकट है, तो मैंने वो भी ले ली है। और अब मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाऊंगा। प्रवेश करते ही आप देख सकते हो राजस्थानी नृत्य देखने को मिल जाता है, और बहुत जगह राजस्थानी नृत्य हमको इस शिल्पग्राम में देखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं झोपड़ी के अंदर। ये भाई देख लो शिल्पग्राम, अपना घर आ चुका है शिल्पग्राम। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। आप ना चैनल पर नए हो ना, जो भी भाई नया देख रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल का वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको बहुत सारी जगह अच्छी अच्छी दिखाता हूँ। अभी तो ये शिल्पग्राम है, बहुत सारी अच्छी अच्छी दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कौन सी जगह पे मुझे जाना है, कुछ भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। ये देखो गाइज पूरा शिल्पग्राम का नज़ारा। और यहाँ पर गाइज अगर आप नाइट के टाइम में आते हो ना, तो आपको यहाँ पर कालबेल या डांस कबेलार, इस प्रकार के बहुत सारे डांस होते हैं ना राजस्थानी कल्चर में, वो आपको यहाँ पर सब देखने को मिलेगा अगर नाइट को आते हो तो। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, इनके अंदर सभी दुकानों में जो भी सामान है वो पूरा का पूरा हाथ से बना हुआ है। यहाँ पर आप कपड़े देख रहे हो, ये भी पूरे के पूरे हाथ से बने हुए हैं। ब्लॉक प्रिंट बेडशीट्स बनाता है, सिंगल बेड डबल बेड अलग अलग है, 400 वाली भी है, 500 वाली भी है। बैठिए आप, बेडशीट तो जयपुर के हमारे जयपुर के। आप ये बांधनी के आर्टिस्ट हैं, बांधनी और लहरिया साड़ी सभी बनाते हैं, साड़ी ड्रेस मटेरियल दुपट्टा और इसी देख सकते हैं आप। सूट्स वगैरह बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी साड़ियाँ भी बनाई हैं घर में। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, अभी टाइम हुआ 3 बजे, तो बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ की सबसे ज़्यादा मेरे को तो पेंटिंग्स ना, ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी पेंटिंग्स है गाइस। यहाँ पर ये देख रहे हो आप नृत्य कला, भारत के अंदर 4 विशेष प्रकार की नृत्य कला है वो है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप।
बच्चों के लिए कप है गिलास बोतल जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो आप ना आ सकते हो यहाँ पर अगर घूमने आते हो उदयपुर तो शिल्पग्राम में भी मेला नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। आपको ना मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा यह शिल्पग्राम, आप वीडियो में बने रहिए बस। 8 फरवरी 1989 को पब्लिक के लिए खोला। यहाँ पर यह स्टोन नाम लिखा हुआ है, स्टोन के ऊपर ही आप देख सकते हो STONE, ये स्टोन नाम लिखा हुआ है। और ये आ गई अनारकली। अनारकली मैडम लोग को नमस्कार, बच्चों लोग को नमस्कार, साहब लोग को नमस्कार, कैसे डालता है। पहले के लोग किस प्रकार से नृत्य करते थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर एक नृत्य और देखेंगे जो राजस्थानी नृत्य होगा। और यार ये आप झोपड़ा देखो कितना प्यारा है, बनाने वाला भी एक अच्छा इंसान था, देख सकते हो कलाकारी देखोगे। जो भी यहाँ पर शिल्पग्राम में घूमने आता ना उनके लिए यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो दो लड़कियाँ और नृत्य कर रही है तो वो भी देखते हैं हम। यहाँ पर हाथ से बनाए हुए खादी के सामान से देख सकते हो, बैग्स हैं और ये बेंगल्स हैं, तो ये विदाउट मशीन के बनाए हुए हैं। मिट्टी चिकनी मिट्टी ये देखो यार, ये झोपड़ी कितनी सुंदर है। और यहाँ पर जो भी सामान है ना वो बहुत सुंदर सुंदर है, बट यार ये थोड़ी सी प्राइस ज़रूर ज़्यादा है। और ये आप देख रहे हो ऊपर की साइड, ये आपको 1200-1300 रुपये बता रहे हैं भैया। पर्दे पे आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा शिल्पग्राम का। तो मैंने आपको पूरा शिल्पग्राम दिखा दिया है, तो यार एक लाइक तो बनता है। इतनी धूप के अंदर मतलब अभी टाइम हुआ है 4 बज गए और 1.5 घंटा लगा मेरे को टोटल इसके अंदर देखने में।
बट यार आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना डेफिनेटली यार, मैं आपके लिए ऐसे नई नई चीज़ें लेके आता रहता हूँ। तो बाय बाय, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।